हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताऊंगी एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व। तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो 13.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, सो जिन क्वेश्चंस को मैं बताती जा रही हूँ सो यहाँ पर आपको लिंक मिलती जाएगी आई बटन में। सो 13.1 में 4, 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट हैं। देन 13.2 में आप देखें तो 3, 4, 5, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। देन एक्सरसाइज 13.4 में 2, 3, 4 एंड 5 और 13.5 में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है सो यहाँ पर आपको लिंक मिल ही गई होगी इन सबसे रिलेटेड। सो ये तो हो गया। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की, तो क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व नहीं किए हैं तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल नंबर 6 के अकॉर्डिंग अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेज एज शोन इन फिगर। सो यहाँ पर जो जूस वाला है वो इस तरह का ग्लास है, उसमें जूस सर्व कर रहा है अपने कस्टमर्स को। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। और ये जो ग्लास है ये सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसकी जो रेडियस है, इनर रेडियस है, वो हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। और यहाँ पर क्या है, इस तरह से इसके अंदर में हेमिस्फेरिकल डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो ग्लास है इसकी कैपेसिटी दिख तो कुछ और रही है लेकिन एक्चुअल में इसकी कैपेसिटी कुछ और है। देन क्या बोला गया है, इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर और ये जो ग्लास है इसकी हाइट हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। सो अपेरेंट कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि जो दिखने में इसकी कैपेसिटी है वो, क्योंकि अगर आप देखें, अगर ये पोर्शन अगर आप नहीं देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो कंप्लीट ग्लास है सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो इसकी कैपेसिटी है, लेकिन इसके अंदर इस तरह का एक डिज़ाइन बना हुआ है हेमिस्फेरिकल शेप में जिसके कारण इसकी कैपेसिटी कम हो रही है। इट मीन्स जो जूस इसमें अगर कोई कस्टमर्स को देता है वो, तो उसकी कैपेसिटी रहेगी ये। सो मैंने इसको फिल तो किया बट ज़्यादा अच्छे से नहीं किया है। सो बस सिर्फ समझाने के लिए कि इतनी जो एरिया है सिर्फ इसमें अकेला जूस फिल होगा। सो दिखने की इसकी जो कैपेसिटी है वो अलग है। अगर आप इसको बाहर से देखेंगे किसी भी ग्लास को तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ये पूरा ग्लास है, ये फुल भर जाएगा, लेकिन इसके अंदर इस तरह से ये जो हेमिस्फेरिकल डिज़ाइन बनी जिसके कारण इसकी कैपेसिटी कम हो रही है। सो यहाँ पर हमको बोला गया अपेरेंट कैपेसिटी मतलब दिखने में जो भी इसकी कैपेसिटी है हमको वो फाइंड करना है, और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब कि इतना एरिया अगर हम हटा दें तो एक्चुअल कैपेसिटी होगी, क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो जूस फिल हो रहा है जो वॉल्यूम है इसका वो तो इतना ही है। सो हमको यहाँ पर अपेरेंट कैपेसिटी भी बताना है और एक्चुअल कैपेसिटी भी बताना है। तो जो अपेरेंट कैपेसिटी है मतलब दिखने में इस ग्लास की कैपेसिटी क्या होगी। सो ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपका ग्लास है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो हमको इस ग्लास की जो अपेरेंट कैपेसिटी है मतलब एक्चुअल में दिख रहा है कि हाँ भाई इतना होना चाहिए, इतना बड़ा ग्लास है तो इसकी कैपेसिटी इतनी होगी, वो हमको फाइंड करना है अपेरेंट कैपेसिटी। और एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में इसमें कितना जूस आ रहा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। सो इतने एरिया में तो जूस नहीं आ रहा है, जूस फिल हो रहा है सिर्फ इतने इतने एरिया में, तो ये है इसकी एक्चुअल कैपेसिटी। सो अपेरेंट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास है इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे जिससे हमको मिल जाएगी अपेरेंट कैपेसिटी। सो अगर अपेरेंट कैपेसिटी हमको चाहिए इट मींस दिखने में जो इसकी कैपेसिटी है वो, सो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये जो ग्लास है ये सिलेंड्रिकल शेप में है सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो हाइट हमको गिवन है 10 और यहाँ पर हमको बोला गया है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास 5 सेंटीमीटर। सो डायमीटर गिवन है सो इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगी रेडियस, और हाइट हमको गिवन है 10 सो पुट अप कर देते हैं। सो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट अप कर दी, पाई की वैल्यू पुट अप करी 3.14,
आर स्क्वायर, सो आर हमारा कितना है 5/2, सो 5/2 का स्क्वायर करेंगे 5 5 ज़ार 25 अपॉन 2 2 ज़ार 4 इंटू एच, मीन्स हाइट हमको गिवन है 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये जो ग्लास है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सो अगर इसकी अपेरेंट कैपेसिटी मतलब दिखने में जो कैपेसिटी है वो फाइंड करना है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हमने पुट अप करी 3.14 आर स्क्वायर, सो रेडियस हमने फाइंड करी 5/2, सो 5/2 का स्क्वायर करेंगे 5 5 ज़ार 25 अपॉन 2 2 ज़ार 4 इंटू हाइट हमको गिवन है 10, देन 25 इंटू 10 हो जाएगा 250 अपॉन 4, इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 62.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। सो यहाँ पर अपेरेंट कैपेसिटी हमने फाइंड कर ली है, अब हमको फाइंड करना है एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, टोटल जो हमको अपेरेंट कैपेसिटी है उसमें से ये जो हेमिस्फेयर है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल शेप की ही डिज़ाइन है इसमें अंदर से, सो उसके कारण इसकी कैपेसिटी कम हो रही है, इट मीन्स इतना जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, ये जो हेमिस्फेयर है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और अपेरेंट कैपेसिटी में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस कर देंगे। सो इसके लिए हमको ये जो हेमिस्फेयर है इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि जो रेडियस है, जो इसकी रेडियस होगी वही रेडियस हमारे हेमिस्फेयर की होगी, क्योंकि हेमिस्फेयर इसी से निकला हुआ है, सो इसका जो बेस रहेगा वो सिलेंड्रिकल बेस ही है, सो इसीलिए इसकी रेडियस भी हम यहीं से फाइंड कर लेंगे। सो रेडियस हो जाएगी हमारी 5/2। तो चलिए वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। सो यहाँ वैल्यूज पुट अप कर दी 2/3 एज इट इज, पाई के वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब मीन्स 5/2 का क्यूब, सो 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 अपॉन 2 का क्यूब, सो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कर लिया, यहाँ पर देखें 3.14 एज इट इज़, 125 3 4 ज़ार 12, सो 125 में हमने 12 से डिवाइड किया तो हमको मिला 10.42, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम। सो यहाँ पर हमने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इसलिए फाइंड किया है क्योंकि देखें हमको इस क्वेश्चन में अपेरेंट कैपेसिटी बतानी थी, तो अपेरेंट कैपेसिटी मतलब देखने की जो कैपेसिटी है वो, तो वो हमने फाइंड कर ली। अब हमको बताना है कि एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि इतना जो एरिया हम जितना जितने एरिया में जूस फिल हो सकता है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल जो सिलेंड्रिकल ग्लास है उसमें से ये जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो माइनस कर देंगे तो हमको एक्चुअल कैपेसिटी पता चल जाएगी। सो एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू अपेरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो अपेरेंट कैपेसिटी हम फाइंड कर चुके हैं 196.25, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमने फाइंड कर लिया है 32.71। सो चलिए अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। सो अपेरेंट कैपेसिटी हमारी है 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 32.71, देन इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमको मिला 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर हमको दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक अपेरेंट कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी इस ग्लास की दिख रही है वो, सो वो आ गई है 196.25, और इसकी एक्चुअल कैपेसिटी मतलब कि एक्चुअल में इसमें कितना जूस आएगा, सो वो एक्चुअल कैपेसिटी आ गई है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो एग्जाम्पल नंबर 7 के अकॉर्डिंग अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। सो यहाँ पर एक टॉय है, सॉलिड टॉय है, और वो किस फॉर्म में, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, लेकिन हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन मतलब कि उसके ऊपर का जो शेप है वो राइट सर्कुलर कोन का शेप है, मतलब कि जो नीचे का शेप है वो कैसा है, हेमिस्फेरिकल, और उसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया है एक राइट सर्कुलर कोन। सो यहाँ पर देखें ये हमारा टॉय है, जो नीचे का शेप आप देख रहे हैं ये क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप में, और इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है एक राइट सर्कुलर कोन। सो यहाँ पर जो राइट सर्कुलर कोन है वो हो गया हमारा ए बी सी। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखें जरा, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, ये जो कोन है इसकी जो हाइट है ये हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। सो ये जो बेस है इसका डायमीटर हमको गिवन है टोटल 4, सो डायमीटर 4 है मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 2। देन आगे क्या बोला गया है हमसे,
डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. सो इस टॉय का वॉल्यूम हमको बताना है. तो अगर इस टॉय का वॉल्यूम हमको बताना है तो क्योंकि ये जो शेप बना है, ये जो टॉय बना है, ये दो शेप से मिलके बना है, एक तो हेमिस्फेयर है, एक है आपका राइट सर्कुलर कून. तो अगर इन दोनों का वॉल्यूम हम फाइंड करके इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको इस टॉय का वॉल्यूम मिल जाएगा. सो यहाँ पर हमने क्या किया, कोन की हाइट हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर. आप रेडियस चाहिए होती तो जो डायमीटर होता है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो अगर 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 = 4. सो जो रेडियस है वो आ गई है 2 सेंटीमीटर. देन आगे क्या बोला गया देखते हैं. इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय. अगर ये जो टॉय है इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर लेता है, इट मीन्स ये जो आपका टॉय है ये पूरे तरीके से उसके अंदर आ जाए. सो इस तरह से अगर आप देखें सर्कमस्क्राइब करना, मतलब इस तरह से अगर टॉय को पूरी तरीके से अगर वो कंप्लीट फिट हो रहा है उस सिलेंडर के अंदर, तो उसका मतलब हो जाएगा सर्कमस्क्राइब. तो अगर इस टॉय को एक सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर लेता है तब हमको क्या बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय. सो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो और ये जो टॉय है उसका वॉल्यूम का डिफरेंस हमको फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉय का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे. सो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमको इसकी हाइट की ज़रूरत लगेगी. सो हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे देखें ज़रा. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ए ओ है ये आपका क्या है, इस राइट सर्कुलर कोन की हाइट है. सो इतना पार्ट तो उसमें आ रहा है, बाकी बचा इतना. तो ये देखें, ये तो है आपकी रेडियस इस हेमिस्फेयर की. सो ये जो ओ पी है, ओ पी और ओ ए अगर इनको ऐड कर देंगे तो ये जो सिलेंडर है आपका इसकी हाइट हमको मिल जाएगी. सो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ पी. सो ओ ए है हमारा 2 सेंटीमीटर और ये जो ओ पी है क्योंकि ये इस हेमिस्फेयर की रेडियस है, सो ओ पी हो जाएगा हमारा 2. ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं. सो 2 + 2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. सो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट भी हमने फाइंड कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टॉय है हमारा इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. सो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगेगा. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h. सो वैल्यूज पुट अप कर देंगे. सो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट अप कर दी 2/3 एज इट इज. पाई की वैल्यू पुट अप करी 3.14 r³. सो रेडियस कितनी है 2 × 2³ 2 × 4 4 × 2 = 8 प्लस 1/3 एज इट इज. पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r² मतलब रेडियस का स्क्वायर. सो रेडियस है 2 × 2 = 4 इंटू हाइट हमको गिवन है 2. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, 8 × 2 = 16 16 × 3.14 आ जाएगा 50.24/3 एज इट इज. देन 4 × 2 = 8 8 × 3.14 आ जाएगा 25.12/3 एज इट इज. अब 50.24/3 प्लस 25.12 इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 75.36/3. देन 3 से हमने 75.36 में डिवाइड किया तो हमको मिला 25.12 cm³. सो यहाँ पर ये जो टॉय है इसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है पहली चीज़. अब हमको बोला गया है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका और ये जो टॉय का वॉल्यूम है इसका हमको डिफरेंस फाइंड करना है. इसके लिए सबसे पहले हमको ये जो हमारा सिलेंडर है इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h. पाई की वैल्यू पुट अप करिए 3.14 r² मतलब रेडियस. सो रेडियस है 2 × 2 = 4 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया है हमारा यहाँ पे 4. सो 4 देन 4 × 4 = 16 16 × 3.14 आ जाएगा 50.24 cm³. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर लिया. अब इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये और वॉल्यूम ऑफ टॉय इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. सो हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय.
सो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 50.24 और टॉय का वॉल्यूम हमने फाइंड किया था 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो यहाँ से इनका डिफरेंस आ गया है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें फाइंड करनी थी, ये जो टॉय है इसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना था और सिलेंडर और ये जो टॉय है इनके बीच का डिफरेंस हमको फाइंड करना था। सो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो टॉय है इसका वॉल्यूम फाइंड किया, इसमें दो शेप हैं आपके, एक राइट सर्कुलर कोन और हेमिस्फेयर। सो सबसे पहले इन दोनों का वॉल्यूम हमने ऐड करा जिससे हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ टॉय। देन ये जो आपका सिलेंडर है इसका वॉल्यूम फाइंड करा हमने, देन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो फाइंड कर लिया। सो ये आ गया हमारा टॉय का वॉल्यूम और ये आ गया है डिफरेंस। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अभी तक जितना वीडियो हमने कवर किया है वो पसंद भी आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 13 के अकॉर्डिंग हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगम्मा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर केन जूस। दे हैव प्रोसेस्ड द शुगर केन जूस टू मेक द मोलासेस विच इज पॉर्ड इन टू द मॉल्ट्स इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैविंग द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेसेज एज 35 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द मोल्ड्स इज 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हनुमप्पा और उसकी वाइफ जो है वो गंगम्मा, ये दोनों शुगर केन जूस मतलब कि गन्ने के जूस से क्या बना रहे हैं, जैगरी यानी कि गुड़ बना रहे हैं। दे हैव प्रोसेस द शुगर केन जूस, उन्होंने उस शुगर केन जूस को प्रोसेस करा एंड टू मेक द मोलासेस और मोलासेस बनाना है उनको विच पॉर्ड इन टू द मोल्ड्स इन टू द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। तो जो मोल्ड्स का शेप है जिस शेप में उनको जैगरी को देना है जो शेप, तो वो शेप कैसा शेप है आपका, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सो इस तरह का शेप है जो कि उनको उनके जैगरी को देना है। देन आगे बोला गया है कि ये जो शेप है यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, इसके लिए दो हमारे सर्कुलर फेस हैं और दोनों की रेडियस हमको गिवन है 35 and 30 सेंटीमीटर और जो वर्टिकल हाइट है वो हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर। देन आगे क्या बोला गया है, इफ़ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस हैज़ मास अबाउट 1.2 ग्राम फाइंड द मास ऑफ मोलासेस दैट कैन बी पॉर्ड इन टू ईच मोल्ड। सो यहाँ पर जो मोल्ड है वो किस शेप में है आपके, फ्रस्टम ऑफ अ कोन शेप में, तो इसके अंदर जो भी आपका सॉल्यूशन है वो इसमें डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको इसका टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो मोलासेस का वॉल्यूम पता होगा तभी हम जाके आगे की चीज़ें जो है वो फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रस्टम ऑफ अ कोन का शेप का जो मोल्ड है इसका हम टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमको मोलासेस का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि ये शेप कैसा है आपका, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, सो इसका अगर हमको फॉर्मूला पता होगा तभी हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। सो यहाँ पर अगर मोलासेस का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। सो फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 πr². अब क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस होती हैं इसलिए r1² + r2² + r1 r2 और इनटू एच। सो जो कोन का वॉल्यूम होता है उससे मिलता जुलता ही होता है, 1/3 πr² हमारा कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर 1/3 π, अब याद इस तरह से आप रख सकते हैं कि 1/3 πr², क्योंकि ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, सो कोन का ही एक पार्ट होता है। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि यहाँ पर रेडियस दो हो जाएंगी, क्योंकि देखें एक ये सर्कुलर बेस है एक ये सर्कुलर बेस है, सो इस तरह से हमारे पास दो रेडियस आएंगी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मोलासेस है उसका हम टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चन में हमको डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है। सो हम क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, अगर डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो रेडियस हमको मिल जाती है। सो यहाँ पर हम ये वाली जो रेडियस है इसको r1 लेंगे और यहाँ से जो रेडियस मिलेगी उसको r2 लेंगे। सो यहाँ पर डायमीटर है 35, तो 35 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेडियस। सो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट वाली रेडियस 35/2 और जो r2 है वो मिल जाएगी 30/2। देन वर्टिकल हाइट हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर, सो h हमारा हो जाएगा 14। अब वैल्यूज पुट अप करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट अप कर दी, देखें ज़रा 1/3, ये फॉर्मूला इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, तो 1/3 π की वैल्यू हमने पुट अप करी 22/7, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट अप करना है, सो हम 22/7 पुट अप कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप अपने हिसाब से जो वैल्यू आपको लगे 22/7 या फिर 3.14 वो पुट अप करें। सो पाई की वैल्यू 22/7, देन
आर वन स्क्वायर, सो आर वन है 35/2, 35 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1225 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, देन आर टू स्क्वायर, सो आर टू है हमारा 30/2, 30 स्क्वायर हो जाएगा 900 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस आर वन इंटू आर टू, सो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 35 × 30 आ जाएगा 1050 और 2 × 2 = 4 इंटू हाइट हमारी कितनी है 14, सो पुटअप कर दिया। अब ये 7 से ये 14 टू टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर देखें 22 × 1 सो 22 × 2 यहाँ पर बचा हुआ है, सो इसको हमने एज इट इज़ लिखा अपॉन 3 एज इट इज़। देन यहाँ पर देखें 4, सभी के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम डायरेक्टली ऊपर वाले जितने भी टर्म्स ऐड कर देंगे, तो 1225, 900 और 1050 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 3175 अपॉन 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 × 2 = 4, देन इस 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया 22, सो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो यहाँ आ गया 11/3, 3175 एज इट इज़। देन हमने क्या किया, 3 से इस 3175 को डिवाइड कर दिया तो हमको मिला 1058.33 एंड सो ऑन इंटू 11, देन का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 11641.63 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ मोलासेस है मीन्स टोटल वॉल्यूम वो हमने फाइंड कर लिया है ये सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में आगे हमको बोला गया है इफ़ ईच सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस हैज मास अबाउट 1.2 kg, यानी कि एक सिंगल सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं कि सिंगल सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो हमको गिवन है 1.2 ग्राम, तो जो टोटल हमारा है उसका कितना होगा। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे क्योंकि 1 cm³ का हमको गिवन है और टोटल सेंटीमीटर क्यूब हमको पता है, तो हम क्या करेंगे 1.2 ग्राम हमको बोला गया है ईच सेंटीमीटर क्यूब का, तो ईच सेंटीमीटर क्यूब का हमको गिवन है तो हम क्या करेंगे इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमको हमारी वैल्यू मिल जाएगी। सो क्वेश्चन में हमको गिवन था 1 cm ईच सेंटीमीटर या फिर 1 cm बातें की होती है, तो 1 cm³ मोलासेस हैज मास अबाउट 1.2 kg, तो 1 cm³ का मास हमको गिवन था 1.2 ग्राम, तो हमारा जितना टोटल मोलासेस का मास है वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है। सो मास ऑफ 11641.63 cm³ मोलासेस हैज़, सो इतने सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस का मास होगा, तो 1 cm³ का दिया है तो इतने में हम 1.2 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11641.63 ये तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 cm³ का जो भी मास है, तो 1 cm³ का मास हमको गिवन है 1.2 ग्राम, सो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1396.957 ग्राम। सो ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि ग्राम में हमको वैल्यू दी थी, लेकिन अगर आपका जो बुक का एग्जांपल देखें तो उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, तो अगर आप इतना भी आप सॉल्व करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी हमको बोला नहीं गया है क्लियरली कि आप ग्राम में आंसर फाइंड करिए या फिर किलोग्राम में, तो आप चाहें तो ग्राम में भी फाइंड कर दीजिए और किलोग्राम में भी, तो उससे क्या रहेगा अगर कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि आप किलोग्राम में आंसर फाइंड करिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका आ गया ग्राम में, क्योंकि वैल्यू हमको ग्राम में गिवन थी 1.2 ग्राम। अब ग्राम में हमने आंसर फाइंड कर लिया, अब अगर किलोग्राम में अगर हमको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता तो कैसे करेंगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, तो अगर इसको हमको किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। सो यहाँ पर देखें क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 1000 में कितने जीरो हैं 1, 2, 3, सो आपका जो डेसिमल है ये यहाँ से 3 नंबर आगे आ जाएगा, कैसे, सो यहाँ देखें 1, 2, 3, सो ये हो जाएगा 13.969957 किलोग्राम। अब यहाँ पे ये जो 96 है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के ही इक्वल है, सो ये 13 और ये हमारा 1 के इक्वल हो रहा है, सो 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, सो ये हमारा अप्रॉक्स आंसर आया। तो क्वेश्चन सिंपल था, सिंपली हमको क्या बोला गया था कि जो मोलासेस है उनके जो मोल्ड बने हुए हैं वो हमारे फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्म में है, तो इस टाइप का शेप हमारा आता है जैगरी का। तो सबसे पहले हमको, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि ईच सेंटीमीटर क्यूब मोलासेस हैज़ 1.2 ग्राम, तो जो हमारा टोटल मास है हमारे मोलासेस का वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके शेप को देख के हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो इसका शेप जो था वो फ्रस्टम ऑफ कोन का शेप था, तो हमने फ्रस्टम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया, देन हमने
इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया. देन हमको गिवन था कि 1 cm³ का जो मास है वो 1.2 ग्राम है, तो हमको इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास पूछा गया था. तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास अगर हमको फाइंड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 cm³ का जो भी मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 cm³ का जो मास था वो था 1.2 ग्राम, सो इससे मल्टीप्लाई किया, सो हमारा आंसर यहाँ पर ग्राम में आ गया. लेकिन आपकी बुक में किलोग्राम में आंसर है, तो ये आंसर भी गलत नहीं. आप चाहें तो ग्राम तक भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला जाता है कि आपका आंसर किलोग्राम में आपको देना है, तब आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ तक आपका आंसर आ गया था. देन अब इसको किलोग्राम में अगर चेंज करना है, तो क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, सो इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे. सो 30 थी, तो यहाँ से ये जो डेसिमल है ये 3 प्लेस आगे जाएगा, तो ये आ गया 13.969957 किलोग्राम. अब क्योंकि ये 96 है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट 1 तो हो ही जाएगा, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 14 किलोग्राम अप्रॉक्स. सो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 13 कंप्लीट हो गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. सो एग्जांपल नंबर 14 के अकॉर्डिंग, एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर बेस मेड ऑफ द सेम मेटलिक शीट. सो यहाँ पर देखें, बकेट बनी हुई है और हमको क्या बोला गया है कि ये मेटल से बनी हुई है और इसका शेप देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शेप है वो फ्रस्टम ऑफ अ कोन का शेप है, और ये किसके ऊपर माउंटेड है, एक सिलिंड्रिकल शेप है. यहाँ पे छोटा सा देखें, ये सिलिंड्रिकल शेप है, इसके ऊपर फ्रस्टम ऑफ अ कोन माउंट किया गया है, और इस तरह से आपकी बकेट बनी हुई है. अब यहाँ पर सर्कुलर एंड देखें, एक ये सर्कुलर एंड है और एक ये सर्कुलर एंड है, और यहाँ पर इनकी रेडियस तो नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है. सो डायमीटर हमको गिवन है ये वाला 45 और ये 25. अब ऑब्वियसली ये बड़ा है तो ये 45 डायमीटर होगा, और ये छोटा है तो ये 25 होगा. देन द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40. सो पूरी बकेट की टोटल हाइट हमको गिवन है, यहाँ से लेके पूरे ऊपर से लेके पूरी नीचे तक टोटल हाइट हमको गिवन है बकेट की 40 सेंटीमीटर. और अलग से हमको जो सिलेंड्रिकल बेस आप देख पा रहे हैं, ये इतना पार्ट सिलेंडर है आपका, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है ये हमको अलग से गिवन है 6 सेंटीमीटर. देन हमको क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेटलिक शीट यूज टू मेक द बकेट. तो पहली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, दूसरी चीज़ हम बाद में फाइंड करेंगे. पहले यहाँ पर बोला गया है कि इस बकेट को बनाने में जितनी भी मेटलिक शीट यूज हुई है वो बताइए. तो मेटलिक शीट ये पूरा बाहर का जितना भी एरिया है वो बनाने में यूज हुई है. सो यहाँ पर देखें, एक तो ये एरिया रहेगा आपका इस तरह से, फ्रस्टम का है ये पूरा आपका, तो यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ अ कोन का सरफेस एरिया लगेगा क्योंकि ये कर्व्ड एरिया है. देन दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें तो आपका सर्कुलर एंड भी लग रहा है, सबसे नीचे का जो बेस है वो भी मेटल से ही बना है, और ये जो सिलेंडर है आपका, सिलेंड्रिकल शेप है आपका, ये भी मेटल से बना है. तो यहाँ पे अगर बकेट में टोटल मेटलिक शीट कितनी लगी है वो अगर हमको पता करना है, तो सबसे पहले ये जो आपका फ्रस्टम है इसका कर्व्ड सर्फेस एरिया चाहिए, देन ये जो आपका सिलेंडर है सिलेंड्रिकल आपका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, और एक बेस एरिया चाहिए. सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि 3 चीज़ों का एरिया हमको चाहिए अगर बकेट में जितना भी मेटल लगा हुआ है वो अगर एरिया फाइंड करना है. तो यहाँ पर देखें, ये 45 गिवन है, ये 25 गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं. ये वाला हमने ले लिया है, यहाँ से ले लिया क्योंकि ये पूरा फुल डायमीटर ऊपर का, सो यहाँ से हमने R1 फाइंड करी 45/2 सेंटीमीटर. देन इसको हमने ले लिया सेकंड वाली रेडियस, सो R2 25/2, क्योंकि डायमीटर में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको रेडियस मिलती है. देन ये जो कंप्लीट हाइट है हमारी बकेट की उसको हमने ले लिया कैपिटल H 40 सेंटीमीटर, और जो हमारे सिलेंड्रिकल शेप है उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको हमने ले लिया स्मॉल H. सो अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये जो हमारी बकेट है इसको बनाने में कितना मेटल यूज़ हुआ है. सो देखें, अगर हमको मेटलिक शीट का एरिया बताना है इस बकेट को बनाने में जितनी भी लगी है, सो यहाँ पर देखें, एक ये शेप बन रहा है, एक मेटलिक जो बेस है आपका सर्कुलर वो है, और एक ये फ्रस्टम का आपका कर्व सरफेस एरिया है. सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर रेडियस हम कौन सी ले रहे हैं, ये नीचे वाली, सो ये हमारी R2. अब वैल्यूज पुट अप करेंगे. सो यहाँ पे पाई की वैल्यू अभी हम पुट अप नहीं कर रहे हैं, इसको हम लास्ट में पुट अप करेंगे. पाई आर स्क्वायर, सो रेडियस है हमारी R2 25/2, क्योंकि ये देखें ये 25 ही है इसकी रेडियस, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 का स्क्वायर होता है 4, पाई एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है एरिया. देन अब हम आते हैं कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो यहाँ पर देखें, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, बट जो रेडियस है वो ये वाली लगेगी हमारी नीचे वाली, सो 25/2, सो 2 × π एज इट इज़ रखा R2, सो R2 हमारा 25/2 × H,
सो ये जो सिलेंडर है इसके लिए जो हाइट है हमारी वो है स्मॉल एच, सो हमने पुट अप करा 6, देन 2 से 2 कैंसिल, 25, 6 जार होता है 150 पाई एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फ्रस्टम का एरिया फाइंड करेंगे। सो पहली चीज़ तो ये है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि जो हमारा कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, बट यहाँ पर रेडियस दो होती हैं इसलिए पाई आर वन प्लस आर टू एल, सो ये फॉर्मूला होता है, बट एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है स्लेंट हाइट की, तो सबसे पहले हम स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर अगर फ्रस्टम के लिए हमको हाइट चाहिए तो सबसे पहले आप देखें तो टोटल हाइट हमको गिवन है बकेट की 40 और जो सिलेंडर का शेप है उसकी हमको हाइट गिवन है, बट फ्रस्टम के लिए हमको कोई हाइट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे जो टोटल हाइट है उसमें से सिलेंड्रिकल हाइट हम माइनस कर देंगे जिससे हमको मिल जाएगी फ्रस्टम की हाइट। सो यहाँ पर हमने वही किया, इसको हमने सपोज कर लिया H1, सो H1 इज इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस स्मॉल H, क्योंकि ये है टोटल कैपिटल H और ये है स्मॉल, सो 40 माइनस 6 आ जाएगा 34, सो ये जो हाइट रहेगी हमारी इतनी वो आ जाएगी 34। सो टोटल हाइट है कैपिटल H 40 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल जो शेप है उसकी हाइट है स्मॉल h 6 सेंटीमीटर और फ्रस्टम के लिए हमने फाइंड कर लिया 34 सेंटीमीटर कैपिटल H में से स्मॉल h को माइनस करके। अब हम स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे। सो स्लेंट हाइट का हमारा फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो है H1, इस फ्रस्टम के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, सो ये हमारा है H1 स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि दो रेडियस हैं सो R1 माइनस R2 का स्क्वायर, सो R1 है हमारा 45 ओवर 2 माइनस R2 है 25 ओवर 2। अब देखिए 45 माइनस 25 आ जाएगा 20 ओवर 2, 2 से 20 कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, सो ये हो गया 10 स्क्वायर मींस 100, और 34 हमारी हाइट थी सो 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156, तो ये एज इट इज चल रहा है। अब इनको हमने ऐड कर दिया तो हमको मिला अंडर रूट ऑफ 1256, अब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब हमको मिलेगा 35.44 सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट आ गई हमारी, रेडियस हमारे पास है, पाई हमारे पास है, अब वैल्यूज पुट अप करेंगे जिससे हमको मिलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। देखिए जरा, पाई एज इट इज़ R1 प्लस R2, मतलब इन दोनों रेडियस को हमको ऐड करना है, तो 45 प्लस 25 हो जाएगा 70 अपॉन 2 इंटू L की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 35.44, अब 2 से 70 को कैंसिल आउट कर दिया, 35 टाइम्स में कैंसिल हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें 2 से हमने 70 को कैंसिल आउट कर दिया 35 टाइम्स में, सो यहाँ आ गया 35 इंटू 35.44 पाई एज इट इज़। सो यहाँ पर देखें इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 1240.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, अब अगर तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ मेटलिक शीट यूज्ड। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ मेटलिक शीट यूज टू मेक द बकेट, ये हमको फाइंड करना था, इसके लिए हमको एरिया ऑफ सर्कुलर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना था, ये तीनों हमने फाइंड कर लिया, अब तीनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें तो एरिया ऑफ सर्कुलर एंड ये आया हमारा 625 ओवर 4 पाई। सो सबसे पहली चीज हमने क्या करी, सब में से हमने पाई कॉमन लिया, देन 4 से 625 को हमने डिवाइड किया तो आया 156.25, 150 एज इट इज़, 1240.4 एज इट इज़, और सब में से हमने पाई को कॉमन बाहर निकाल दिया। अब पाई की वैल्यू पुट अप करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे। सो देखें एरिया ऑफ मेटलिक शीट यूज टू मेक द बकेट, ये हमने सबको ऐड करके लिख लिया, देन सब में से हमने पाई को कॉमन ले लिया और 4 से 625 को डिवाइड किया तो हमको मिला ये 150 एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब हमने क्या किया, पाई की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दिया 22 ओवर 7 इनटू और इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करने पे हमको मिला 1546.65, अब इसको डिवाइड कर देंगे। देन आगे हमने क्या किया, 7 से इसको डिवाइड किया तो हमको मिला 220.95 और 22 एज इट इज़, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका मल्टीप्लाई किया तब हमको मिला 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। सो ये आ गया हमारा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन में जो पहली चीज़ पूछी गई थी, हमको यही पूछा गया था कि इस बकेट को बनाने में कितनी मेटालिक शीट लगी है। सो एक सिंपल सी चीज़ है कि जो बाहर का पूरा एरिया है, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया किसका, फ्रस्टम का, देन कर्व सरफेस एरिया हो गया नीचे सिलेंडर का, क्योंकि नीचे जो पार्ट लगा हुआ है ये सिलेंड्रिकल है और सबसे नीचे जो बेस होता है वो सर्कुलर है। सो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का अगर हम एरिया फाइंड कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितनी शीट लगी, तो हमने वही किया, तीनों को ऐड करा और ऐड करने पे हमको मिला ये 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पहली चीज़ हमको फाइंड करनी थी ये। सो
सो इसको हमने फाइंड कर लिया. अब दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछी गई है, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर द बकेट कैन होल्ड. बकेट में कितना पानी आ सकता है ये हमको बताना है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम फाइंड करना है यहाँ पर. तो चलिए ये तो हो गया, अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम. सो इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, एरिया ऑफ मेटेलिक शीट यूज टू मेक द बकेट. बकेट को बनाने के लिए मेटेलिक शीट कितनी यूज हुई है, तो उसके लिए कट सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कट सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर और जो बेस एरिया है मतलब सर्कुलर एरिया वो फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हमसे क्या बोली गई है, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर द बकेट कैन होल्ड. बकेट के अंदर कितना पानी आ सकता है ये हमको बताना है. सो बकेट देखें, इतने एरिया में पानी आ सकता है. सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम फ्रस्टम का वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड कर दें, क्योंकि देखें इतने एरिया में हमारा पानी आएगा. सो ये जो एरिया है ये तो इतना फ्रस्टम है और फ्रस्टम के अंदर पानी आएगा, तो अगर हम फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं तो हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बकेट के अंदर कितना पानी आ सकता है. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर बकेट कैन होल्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की, क्योंकि ये जो शेप है ये फ्रस्टम का ही शेप है. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 pi आर स्क्वायर. सो आर यहाँ पर 2 है, सो R1² + R2² + R1 × R2 × H. सो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, बस हमको पुटअप करना, तो चलिए पुटअप कर देते हैं. सो यहाँ पर देखें सारी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू पुटअप करिए 22/7 इंटू आर वन. सो आर वन कितना है, 45/2, सो 45/2 का स्क्वायर प्लस आर टू, आर टू है 25/2, सो 25/2 का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू. सो आर वन है 45/2 इंटू 25/2 है आर टू इंटू एच, हमने फाइंड किया था फर्स्ट टाइम के लिए 34 सेंटीमीटर, तो 34. अब इनको सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 1/3 एज इट इज, 22/7 एज इट इज, 45/2, सो 2 से हमने 45 में डिवाइड किया तो हमको मिला 22.5 स्क्वायर एज इट इज, प्लस 25 में आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5 और स्क्वायर एज इट इज. सेम यहाँ पर हमने किया, 45 में 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला था 22.5 × 12.5 × 34 एज इट इज. अब 22.5 का आप स्क्वायर करेंगे तब हमको मिलेगा 506.25, प्लस 12.5 का स्क्वायर किया तो हमको मिला 156.25, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 281.25. तो चाहे तो एक बार ये कैलकुलेशन आप खुद से करके देख लें, 22.5 × 22.5 और 12.5 × 12.5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमको ये मिल रहा है. देन हमने क्या किया, 1/3 एज इट इज, 22/7 एज इट इज, ये 34 मल्टीप्लाई में लास्ट में चल रहा था, हमने इसको उठा के आगे रख लिया और इन सबको हमने ऐड किया, ऐड करने पे हमको मिला 943.75. अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे. सो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तब हमको मिलेगा 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पर इस बकेट में जो पानी की कैपेसिटी है उसका वॉल्यूम है वो रहेगा 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर यूनिट लगेगी. सो यहाँ पर हमने वॉल्यूम तो फाइंड कर लिया, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें एग्जाम्पल का आंसर लीटर में है, तो आंसर आपका ये भी सही है. अगर सेंटीमीटर में आपको फाइंड करना है तो ये आपका आंसर सही है, बट अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आंसर जो है वो आपको लीटर में देना है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो चलिए इसको कर लेते हैं. सो देखिए ये हमारा जो आंसर आया है ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में. सो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में जो रिलेशन होता है वो होता है ये, 1 liter इज इक्वल्स टू होता है 1000 centimeter, और अगर 1 centimeter cube से हमको लीटर में जाना है तो ये जो 1000 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/1000. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेंटीमीटर से हमको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी लीटर में. सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर द बकेट कैन होल्ड, सो ये हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया. अब 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितने जीरो है, 1, 2, 3, सो ये जो डेसिमल है ये 3 प्लेस आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, सो ये देखें 1, 2, 3, सो 1, 2, 3, सो ये हो जाएगा 33.61548 liter. अब 615 तो डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 33.62 liter. सो ये जो हमारा आंसर है ये आ गया लीटर में. तो बकेट में कितना पानी आ पाएगा, इतने लीटर पानी आ पाएगा अगर लीटर में आपको इसको आंसर देना है तो. सो सेंटीमीटर क्यूब में हमारा ये आंसर है और अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा आंसर है. तो दोनों ही आपके आंसर सही है, क्वेश्चन में अगर बोला जाता है तो आप लीटर में भी कन्वर्ट कर दीजिएगा, और अगर दोनों भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है.
सो एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया. सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा और हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए. इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले आपके पास. तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.